सीहोर के कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने आज कृषि महाविद्यालय में तालाबंदी की और जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम महाविद्यालय के डीन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांगे हैं कि 2015 में कृषि विस्तार अधिकारियों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कृषि छात्रों को ही पदों पर नियुक्त करना था, जिसके बाद सरकार ने ये आदेश निरस्त कर दिए। छात्रों का कहना है कि 11 महाविद्यालयों के छात्र सरकार से कृषि छात्रों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। 15 तारीख को हमने भोपाल में नीलम पार्क में सभी महाविद्यालय के सभी दोनों विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी महाविद्यालय के छात्र उपस्थित हुए थे। 13 तारीख को भी आंदोलन किया था। मामला ये है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की जो पोस्टें आई थी तो उन्हें निरस्त करा दिया गया था और वो पोस्टें अभी तक नहीं आई है। 2015 में 1500 पोस्टें थी, वो पोस्टें अभी तक नहीं आई है। शासन और प्रशासन और माननीय मंत्री जी ने भी लिखित आश्वासन भी दिया था। हमने माननीय मंत्री जी के नाम पे भी ज्ञापन सौंपा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे भी ज्ञापन सौंपा। हम सभी कृषि महाविद्यालय के छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। अभी तक हमारी बातों को नहीं रखा जा रहा है। जो हमारी दूसरी मुख्य मांग है कि मंडियों में मंडी सचिव की भर्तियां होना चाहिए, जिसमें कृषि के ही छात्र रहना चाहिए, लेकिन उसमें भी आधार स्टूडेंट को लिया जा रहा है। बीए या डीए वाले स्टूडेंट को भी लिया जा रहा है, लेकिन कृषि के छात्रों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। तीसरा जो हमारा विषय था, जिसमें अभी पदोन्नति की प्रक्रिया है 90-10 पे चल रही है, उसे 50:50 पे करना चाहिए। यदि इन मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो ये निरंतर दोनों विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी महाविद्यालय निरंतर रूप से बंद रहेंगे। आगे निरंतर हम अभी गतिविधि जो बनाएंगे, आगे भी कल भी इसी प्रकार से तालाबंदी रहेगी यदि हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया। सीहोर से ईएमएस टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।